फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.3 का। और क्वेश्चन नंबर 7 है, मैट्रिक्स ए है, इसमें करा है कि इसको क्या सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए गया है समित आव्यूह। समित आव्यूह को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए समित आव्यूह का सिद्ध करेंगे तो ये हमारा ए का व्युत्क्रम ये मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। जब इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो मैट्रिक्स के बराबर होगा, ये हमारा समित आव्यूह होगा। और जब विषम, ये अगला करा है सेकेंड, इसमें दो सौ फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड में करा है विषम सममित। तो विषम सममित में क्या होता है कि जो हमारी ए की मैट्रिक्स होगी वो माइनस ए की बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसको हल करेंगे। तो जब इसका हम निकालेंगे व्युत्क्रम तो क्या होगा, व्युत्क्रम निकालते हैं तो जो रो होता है कॉलम में और कॉलम द्वारा रो हो जाता है, तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 5 और ये हो गया -1 2 1 5 1 3। ये देखिए इसका व्युत्क्रम और इसके दोनों के, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी यह क्या है, यह एक सममित आव्यूह है। यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब अगला है अब इसका व्युत्क्रम, जब इसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो माइनस के बराबर होना चाहिए। इसको हम दिखा देंगे सिंपली ऐसे, इसको दिखाएंगे माइनस ए, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसको जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित है। तो इसको मिटाते हैं और मिटा कर इसको क्या करेंगे, अब पहले इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। व्युत्क्रम निकालेंगे इसका तो हो जाएगा 0 1, ये -1, ये होगा -1 0 -1 0 1 हो गया, ये 1 -1 0। ठीक, अब क्या कर रहा है, माइनस ए के बराबर होता है। अब जब इसमें हम लोग माइनस ठोक देंगे, जब इसमें ये हो गया, अब जब हम ए में माइनस लगाएंगे, यहाँ पे अगर माइनस कर देते हैं ए में माइनस, यानी माइनस हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर देते हैं, इसको मिटा दें। जब हम माइनस ए करेंगे तो ये हमारा अंदर माइनस होगा, अंदर जब माइनस होगा जब माइनस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, ये माइनस हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो गया, अंदर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो। तो देखिए क्या इसके बराबर है, यानी ए का व्युत्क्रम माइनस ए के बराबर है, यानी ये दोनों इक्वल है। यानी ये भी क्या है, विषम सममित आव्यूह है, ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।